बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। तो क्रोष्ट की जी पूछते हैं मार्कंडे जी से के ब्राह्मण द्वीप समुद्र पर्वत और वर्ष कितने हैं तथा उनमें कौन कौन सी नदियां हैं, महाभूत जैसे पृथ्वी और लोकालोक का प्रमाण क्या है, चंद्रमा और सूर्य का व्यास परिमाण तथा गति कितनी है। महामुने ये सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो श्री मार्कंडेय जी बताते हैं कि समूची पृथ्वी जो है उसका विस्तार 50 करोड़ योजन है। और अब उसके सब स्थानों का वर्णन करता हूं, सुनो। महाभाग जम्बू द्वीप से लेकर पुष्कर द्वीप तक जितने द्वीपों की मैंने चर्चा की है उन सब का विस्तार इस प्रकार है। क्रमशः एक द्वीप से दूसरा द्वीप दुगुना बड़ा है और इसी क्रम से जम्बू द्वीप, पलक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप स्थित हैं। और ये क्रमशः ये द्वीप लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दही, दूध और जल के समुद्रों से घिरे हुए हैं। ये समुद्र भी एक की अपेक्षा दूसरे से दुगुने बड़े हैं। अब मैं जम्बू द्वीप की स्थिति का वर्णन करता हूँ। इसकी लंबाई चौड़ाई 1,00,000 योजन की है और इसमें हिमवान, हिमकूट, निषद, मेरु, नील, श्वेत तथा श्रृंगी ये 7 वर्ष पर्वत हैं। इनमें मेरु जो है वो तो सबके बीच में है और उसके सिवा जो नील और निषद नामक 2 पर्वत हैं वो मध्यवर्ती पर्वत हैं। वे 1,00,000 योजन तक फैले हुए हैं। निषद से दक्षिण में तथा नील से उत्तर में जो 2-2 पर्वत हैं उनका विस्तार क्रमशः 10-10,000 योजन कम है। अर्थात हेमकूट और श्वेत जो हैं वो 90-90,000 योजन तक तथा हिमवान और श्रृंगी 80-80,000 योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2-2,000 योजन ऊँचे और उतने ही चौड़े हैं। तो इस जम्बू द्वीप के 6 वर्ष पर्वत जो हैं वो समुद्र के भीतर तक प्रवेश किए हुए हैं। यह पृथ्वी दक्षिण और उत्तर में नीची और बीच में ऊंची तथा चौड़ी है। जम्बू द्वीप के 3 खंड दक्षिण में हैं और 3 खंड जो है उत्तर में। इनके मध्य भाग में इलावृत वर्ष है, इलावृत जो आधे चंद्रमा के आकार में स्थित है। उसके पूर्व में भद्राश्व, पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। इलावृत वर्ष के मध्य भाग में सुवर्णमय मेरु पर्वत है जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वह 16,000 योजन नीचे तक पृथ्वी में समाया हुआ है तथा उसकी चौड़ाई भी 16,000 योजन ही है। और वो ना शराब जैसे पुरवा होता है उसकी आकृति का होने के कारण चोटी और 32,000 योजन चौड़ा है चोटी की तरफ। मेरु पर्वत का रंग पूर्व की ओर सफेद, दक्षिण की ओर पीला, पश्चिम ओर काला, उत्तर की ओर लाल है। तो ये रंग जो 4 हैं ये क्रमशः है ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र तथा क्षत्रिय के हैं। मेरु पर्वत के ऊपर क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र आदि 8 लोकपालों के निवास स्थान हैं और इनके बीच में ब्रह्मा जी की सभा है। वह सभा मंडप बताया 14,000 योजन ऊंचा है और उसके नीचे विष्कम्भ आधार रूप से 4 पर्वत हैं जो 10-10,000 योजन ऊंचे हैं और वे क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में स्थित हैं। तो उनके नाम बताए हैं यहाँ पर कि मंदर, गंधमादन, विपुल और सुपार्श्व। तो इन चारों पर्वतों के ऊपर 4-4 बड़े वृक्ष हैं जो ध्वजा की भांति उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मंदराचल पर कदम्ब है, गंधमादन पर्वत पर जम्बू, विपुल पर पीपल तथा सुपार्श्व के ऊपर बरगद का महान वृक्ष है। तो इन पर्वतों का विस्तार 1,100 योजन का है। मेरु के पूर्व भाग में जठर और देवकूट पर्वत है जो नील और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। निषद और परियात्र
ये दो पर्वत जो है मेरु के पश्चिम भाग में स्थित हैं। पूर्व वाले पर्वतों की भांति ये भी नीलगिरी तक फैले हुए हैं। हिमवान और कैलाश पर्वत मेरु के दक्षिण भाग में स्थित हैं। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर फैलते हुए समुद्र के भीतर तक चले गए। इसी प्रकार जो है उसके उत्तर भाग में श्रृंगवान और जारुधी नामक पर्वत है, ये भी दक्षिण भाग वाले पर्वतों की भांति समुद्र के भीतर तक फैले हुए हैं। तो द्विज श्रेष्ठ, ये मर्यादा पर्वत कहलाते हैं। अब हिमवान और हेमकूट जो ये पर्वत हैं, इनका पारस्परिक अंतर जो है 9,000 योजन है। ये इलावृत वर्ष के मध्य भाग में मेरु की चारों दिशाओं में स्थित हैं। गंधमादन पर्वत पर जो जामुन के फल गिरते हैं, उनका आकार बताया, वे हाथी के शरीर के बराबर होते हैं और उनमें से जो रस निकलता है उससे जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है, जहां से जम्बू नद नामक सुवर्ण उत्पन्न होता है और वह नदी जम्बू वृक्ष के मूलभूत मेरु पर्वत की ओर परिक्रमा करती हुई बहती है और वहां के निवासी उसी का जल पीते हैं। भद्रास्व वर्ष में भगवान विष्णु हयग्रीव रूप से, भारत वर्ष में कच्छप रूप से, केतुमाल वर्ष जो है उसमें वाराह रूप से तथा उत्तर कुरु में मत्स्य रूप से विराजते हैं। तो द्विज श्रेष्ठ, मंदर आदि चार पर्वतों पर जो चार वन है और चार सरोवर हैं, अब उनके नाम सुनो। मेरु से पूर्व के पर्वत पर चैत्र रथ नामक वन है, दक्षिण सैल पर नंदन वन है, पश्चिम के पर्वत पर वैभ्राज वन है और उत्तर वाले पर्वत पर सावित्र नामक वन है। और पूर्व में अरुणोद, दक्षिण में मानस, पश्चिम में शीतोद और उत्तर में महाभद्र नामक सरोवर है। सीतार्त, चक्रमुंज, कुलीर, सुकंकणवान, मणिशैल, वृखवान, महानील, भवाचल, सुविंदु, मंद्र, वेणु, तामस, निषद तथा देवशैल, ये महान पर्वत मंदराजल से पूर्व दिशा में स्थित हैं। और त्रिकुट, शिखराद्रि, कलिंग, पतंगक, रुचक, सानुमान, ताम्रक, विशाखवान, श्वेतोदर, समूल, वसुधार, रतनवान, एक श्रृंग, महाशैल, राजशैल, पिपाठक, पंचशैल, कैलाश और हिमालय, ये मेरु के दक्षिण भाग में स्थित हैं। सुरक्ष, शिशिराक्ष, वैदूर्य, पिंगल, पिंजल, महाभद्र, सुरस, कपिल, मधु, अंजन, कुक्कुट, कृष्ण, पांडुर, सहस्र शिखर, परियात्र और श्रृंगवान, ये मेरु के पश्चिम विस्कंभ विपुल गिरी से पश्चिम में स्थित हैं। इसके बाद शंखकूट, वृषभ, हंसनाभ, कपिलेंद्र, सानुमान, नील, स्वर्ण श्रृंग, सात श्रृंग, पुष्पक, मेघ, विरजाक्ष, वराहाद्रि, मयूर तथा जारुधी, ये सभी पर्वत मेरु के उत्तर भाग में स्थित हैं। तो इन पर्वतों की कंदराएं बड़ी मनोहर हैं। हरे भरे वन और स्वच्छ जल वाले सरोवर उनकी शोभा बढ़ाते हैं और वहां पुण्यात्मा मनुष्यों का जन्म होता है। तो द्विज श्रेष्ठो, ये स्थान इस पृथ्वी के स्वर्ग हैं और इनमें स्वर्ग से भी अधिक गुण हैं। यहाँ नूतन पाप पुण्य का उपार्जन नहीं होता। यहाँ रहने से ना तो नए पाप उत्पन्न होते हैं और ना ही पुण्य। तो ये देवताओं के लिए भी पुण्य भोग के ही स्थान है, अर्थात यहाँ जो भी जाते हैं वो अपने पुण्यों का भोग करने के लिए जाते हैं, पुण्यों का फल भोगने जाते हैं। तो इन पर्वतों पर विद्याधर, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस, देवता, गंधर्वों के सुंदर एवं विशाल वास स्थान हैं। वे परम पवित्र तथा देवताओं के मनोहर उपवनों से सुशोभित हैं और वहाँ के सरोवर भी बड़े सुंदर हैं। वहाँ सब ऋतुओं में सुख देने वाली वायु चलती है। इन पर्वतों पर मनुष्यों में कहीं पर वैमनस्य नहीं है, वैर भाव नहीं है। तो इस प्रकार मैंने चार पत्रों से सुशोभित पार्थिव कमल का वर्णन किया है। ये पर्वतों का जो कमल है, पार्थिव कमल, भद्रास और भारत आदि वर्ष चारों दिशाओं में इस कमल के पत्र हैं।
मेरु के दक्षिण भाग में जिस भारत नामक वर्ष की चर्चा की गई है वही कर्म भूमि है। अन्य स्थानों में पाप पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए भारत वर्ष को ही सबसे प्रधान समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ सब कुछ प्रतिष्ठित है। भारतवर्ष से मनुष्य स्वर्ग लोक, मोक्ष, मनुष्य लोक, नरक, तिर्यग योनि अथवा कोई और कोई गति जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। ये भारतवर्ष की महत्ता है, भारतवर्ष की भूमि की महत्ता है, इसलिए भारतवर्ष इतना महान है। इसके बाद मार्कंडेय जी जो है गंगा जी की उत्पत्ति, किम पुरुष आदि वर्षों की विशेषता तथा भारतवर्ष के विभाग, नदी, पर्वत और कुछ जनपदों का भी वर्णन करेंगे, लेकिन वो जो है कल का विषय रहेगा। आज यही अध्याय को विश्राम देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मार्कंडेय पुराण की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।